अस्सलाम वालेकुम। बिस्किट्स तो बहुत ही किस्मों के होते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे आटा के बिस्किट जो कि बहुत ही हेल्दी होते हैं और आसानी बन जाते हैं बगैर किसी हैवी मशीन के और एग्स के। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने चीनी को पीस लेना है, एक कटोरी में डाल के 1/3 कप चीनी का लेना है और 1/3 कप ही मक्खन का लेना है। मक्खन आपका पिघला हुआ नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। तो बस मक्खन डालने के बाद मिक्सर की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स करें कि ये एक क्रीमी फॉर्म में आ जाना चाहिए। इंडिया में ये आटे के बिस्किट्स बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और इनको थैक्वा भी बोला जाता है। तो ये आटा तो हर घर में मौजूद होता है, तो हर कोई बआसानी इसको बना सकता है। तो 1 कप आटा ले लेना है। आटे को इस तरह छन्नी की मदद से छान लें। 1/2 कप बेसन का ले लेना है। बेसन को भी इस तरह छन्नी की मदद से आपने छान लेना है और चुटकी भर वनीला एसेंस डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो बस ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अच्छे से आटे को एक दफ़ा मिक्सर की मदद से मिक्स करें और फिर हाथ की मदद से गूंद लें। तो आटा ना आपको थोड़ा क्रम्स क्रम्स लगेगा, तो थोड़ा सा उसमें दूध डालना है और बिल्कुल इस तरह से अच्छे से आटे की शक्ल में गूंद लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आटा हमारा तैयार है। तो अभी हम कुकीज़ तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने एक ट्रे लिया और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर देना है, फॉइल लगाकर हमने किया, आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। एक स्पून लेना है, उसकी मदद से इस तरह से थोड़ा सा शेप दे ले। आज की मदद से करने से ये होगा कि बिस्किट सारे का साइज एक जैसा होगा। तो हमने ये सारे पहले बॉल्स बना लिए, उसके बाद हम कुकीज बना लेंगे। तो ये देखें, एक इस तरह से हाथ में रखा, थोड़ा सा प्रेस किया और जी बस जबरदस्त सा बिस्किट हमारा तैयार है। कुछ हम गोल शेप में बना लेंगे, कुछ हम चौरस बना लेंगे, आप अपनी मर्जी से शेप दे सकते हैं कोई भी। तो ये देखें, हमने थोड़ा सा इसको इस तरह से करना है, फिर प्रेस किया और अभी ना छुरी की मदद से साइडों से हम काट लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो मत काटिए। ये बस बिल्कुल अगर आप चाहते हैं ना कि बिल्कुल परफेक्ट शेप आए तो फिर आप छुरी की मदद से कट कर लीजिएगा, लेकिन हाथ पे रख के मत कीजिएगा, कोई काट मत करवा लीजिएगा। मेरी छुरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो मैंने इसलिए इस तरह से किया और मुझे प्रैक्टिस भी है। तो बस इस तरह से आपने करना है और हल्के से प्रेस कर लेना है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी शेप बन गई है। तो सारे बिस्किट्स हमने इसी तरह से तैयार कर लेने हैं और उसके बाद छुरी की मदद से ना इसके ऊपर डिज़ाइनिंग दे लेंगे। छुरी या टूथपिक या कोई मोल्ड ढक्कन, जिससे भी आप चाहें और जिस तरह की भी डिज़ाइनिंग चाहें आप दे सकते हैं। तो ये देखें, मैंने ये 3 किस्मों की डिज़ाइनिंग दी है इसको। और अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा दूध लगाएंगे। दूध लगाने से जो बिस्किट्स के ऊपर कलर आएगा ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। दूध लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद थोड़ी सी चीनी लगा देनी है। कुछ बिस्किट्स के ऊपर हम लगाएंगे और कुछ के ऊपर नहीं लगाएंगे। कुछ के ऊपर हम नट्स लगाएंगे, कुछ के ऊपर चीनी लगाएंगे और कुछ के ऊपर मैं बेरीज लगाऊंगी। तो 2 से 3 बिस्किट्स के ऊपर मैंने बादाम लगा लिए हैं और 2 बिस्किट्स के ऊपर मैंने ब्लूबेरी लगाया है और 1 के ऊपर पम्पकिन सीड्स लगा लिए हैं। आप अपनी चॉइस से चॉकलेट्स भी लगा सकते हैं, कुछ भी आप अपनी मर्जी से ये एडिशन कर सकते हैं। तो बस जी, बिस्किट्स हमारे रेडी हैं कुक होने के लिए। अभी हम इनको कढ़ाही में बनाएंगे। यहाँ पर हमें किसी ओवन या बेकिंग के लिए स्पेशल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो कढ़ाही में नमक लेना है, डाल लेना है पहले से, और 30 मिनट के लिए हमने इसको प्री हीट कर लिया था कढ़ाही को मीडियम हीट पर। तो जी बस इस तरह से इसको कवर करें बिल्कुल हल्की आंच पर 15 से 18 मिनट और ओवन में 15 से 20 मिनट के लिए पका लें। तो ये देखिए ज़बरदस्त से बिस्किट हमारे तैयार हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं, आप भी इन्हें मस्त ट्राई करें। थैंक